ना गीता खतरा में, ना कुरान खतरा में, ये धर्मवाद के चक्कर में पूरा हिंदुस्तान खतरा में। हम हिंदू है लेकिन हम सेकुलरिटी में विचार रखते हैं। हमारे संविधान में भी धर्म निरपेक्षता है, उसका पालन करना चाहिए। हम मानते हैं धर्मों को बराबरी मिलनी चाहिए। जो दोनों गठबंधन सरकार आई थी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का, उसमें 17 महीने में 5 लाख नौकरी। उससे पहले आप नीतीश कुमार के देख लीजिए, 17 महीने से पहले का नौकरी, उसमें आप समथिंग 1-1.5 लाख नौकरी देखिएगा। लालू यादव भी अपने काम बहुत किए। जब बड़े बड़े धर्म या जाति वाले लोग थे ना, छोटे जाति को नीचे बैठना पड़ता था, उसके सामने पैर छूना पड़ता था। लेकिन हम लोग अभी स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र व्यक्तित्व को आप लोगों के सामने रख रहे हैं, बराबर है, जो सब बराबर है, आप बराबरी पे आ गए। हाँ, यहाँ तो बेसी मोदी जी का ही पार्टी का होने वाला है, और तो किसी का नहीं। हाँ, मिश्रा लोग जो है वो बीजेपी को वोट देंगे? हाँ, नहीं का वोट देंगे। कांग्रेस पार्टी को नहीं? नहीं, कांग्रेस को हम लोग नहीं देंगे। ये अभी तो अंधेरा हो गया, खोजने के लिए लालटेन जलाना ही पड़ेगा, और लालटेन लेके खोजिएगा तब। आरजेडी के वोटर लग रहे हैं? जी नहीं। तेजस्वी यादव की रैली खत्म हो चुकी है, थोड़ी सी पड़ताल करते हैं। जो लोग यहाँ आए थे उनको सुनने आए थे या हेलीकॉप्टर देखने आए थे? आप तेजस्वी यादव को सुनने आए थे, हेलीकॉप्टर देखने? जी नहीं, सुनने के लिए आए थे। हेलीकॉप्टर भी अच्छा लगा? हाँ, हेलीकॉप्टर भी अच्छा लगा, बातों विचार अच्छा हुआ। हम लोग वोट तेजस्वी जी का देवे करेंगे। ऐसा क्यों? वो हमको, हम लोग का देखभाल कर रहे हैं, हम उनको हम काहे नहीं देखभाल करेंगे। आप उनकी जाति के हैं इसलिए उन्हें वोट दे रहे हैं? नहीं, जाति बाजी के कोई सवाल नहीं है, उनको विचार के हमको सवाल है। ये मुझे उनका विचार क्या है? विचार ठीक है, विचार सब चीज को, गरीब को देख रहे, रोजगार देते हैं, ठीक है। आपकी कितनी उम्र है? आप, मेरा 20 उम्र है। 20 हो गया आपका? अच्छा, छोटे लग रहे हैं आप तो उम्र में। भी हो चुका है जी। कौन सी नौकरी चाहते हैं आप? जैसे हम तो करते हैं बहुत, जो नौकरी आएगा, SSC BSSC का भरे हुए हैं, एग्जाम नहीं ले रहे हैं, यही कर रहे हैं तैयारी। तेजस्वी को देंगे, लेकिन आपके पापा भी देंगे क्या तेजस्वी? जरूर देंगे। उन्हें तो नौकरी नहीं चाहिए? नहीं, उनको बेटा को चाहिए ना, उनके घर परिवार में जो आगे बढ़ा सकता है उसको नौकरी चाहिए, तो इसीलिए वोट करवाएंगे। विधानसभा में लाएंगे आप या लोकसभा में भी ले आएंगे? लोकसभा में जब बिहार का जब आगे बढ़ेगा, बिहार तो भारत को भी आगे बढ़ाने के लिए उनको वोट करेंगे। हाँ, जब तेजस्वी जी का राजद पार्टी का सरकार जब लोक देश में आएगा, तो देश में भी बिहार जैसा ही विकास होगा। जैसे नौकरी 17 महीने में 5 लाख नौकरी दिए हैं, वैसी वहाँ केंद्र में भी 30-32 लाख, एक रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन क्षेत्र में 20 लाख पाँच लाख अति खाली जॉब खाली है, तो उसको भी भरेंगे, और 30 लाख का जो वादा किए हैं उसको भी पूरा करेंगे। बताइए, 30 लाख का वादा तो कर रहे हैं, लेकिन आप सारा जो श्रेय है वो तेजस्वी यादव को क्यों दे रहे हैं? मुख्यमंत्री, एक मिनट, मुख्यमंत्री तो उस वक्त नीतीश कुमार नहीं, नीतीश कुमार थे, लेकिन अभी उससे पहले भी नीतीश कुमार थे, अभी भी नीतीश कुमार है, लेकिन जॉब अभी नहीं निकल रहा है। हम लोग नई फॉर्म भर रहे हैं। पहले बहाली क्यों नहीं निकाले, और फिर उसके बाद तेजस्वी जी के हटने के बाद बहाली क्यों नहीं निकाले? अच्छा ठीक है, नौकरी के लिए उनको लाना है तो विधानसभा में ले आएंगे, भी लोकसभा में मोदी जी को ले आते। देखिए, हमारे यहाँ से लोकसभा में जो नित्यानंद राय है, अभी जो इससे पहले थे, वो मतलब बड़े बड़े आदमी था, उनके संपर्क में आते थे, और जो गरीब आदमी था, जो मध्य वर्ग के लोग था, उनके पास एक भी बार मिलने के लिए नहीं आए। जब चुनाव होता है उस टाइम मिलने के लिए आते, उसके बाद एक बार भी नहीं आते। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आरजेडी को, मतलब यहाँ से आरजेडी का मतलब सीट है, इसलिए आरजेडी को से आरजेडी होना चाहिए, और पूरे बिहार से, इसलिए आलोक कुमार मेहता जी को आरजेडी का स्थान आना चाहिए, महागठबंधन का, जो बिहार के विकसित जो अति पिछड़ा राज्य में आता है वो विकसित राज्य की श्रेणी में ला सके। मोदी जी तो कह रहे हैं कि भाई आप एक समुदाय से लेके संसाधन दूसरे समुदाय को दे देंगे, मंगलसूत्र खतरे में है। मंगलसूत्र खतरे में, ऐसा क्या? ये तो मोदी जी का ना गीता खतरा में, ना कुरान खतरा में, ये धर्मवाद के चक्कर में पूरा हिंदुस्तान खतरा में। मोदी का सरकार में रोज रोज हत्या बलात्कार होते जाता है। कांग्रेस का था तो उसमें इतना तो नहीं हो रहा था। धर्मवादी नेता है, जैसे औरंगजेब एक तरफ मुस्लिम का शासन को ऊपर बढ़ा रहा था, वैसी मोदी जी सिर्फ हिंदू को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कोई भी एक राष्ट्र हिंदू को लेकर जा रहे हैं। हिंदू नहीं है? हम हिंदू है लेकिन हम सेकुलरिटी में विचार रखते हैं। हम सब धर्म को एक साथ रखना चाहते हैं। हमारे संविधान में भी धर्म निरपेक्षता है, उसका पालन करना चाहिए। आप
हम मानते हैं, सब मानते हैं, सारे धर्मों को बराबरी मिलनी चाहिए। जो दोनों गठबंधन सरकार आई थी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का, उसमें 17 महीना में 5 लाख नौकरी, उससे पहले आप नीतीश कुमार के देख लीजिए 17 महीना से पहले का नौकरी, उसमें आप समथिंग 1.5 लाख 1.5 लाख नौकरी देखिएगा। लेकिन अभी अभी बाद भी इसके बाद भी देखिएगा तो अभी कम से कम 2-3 हज़ार पद पर भर्ती आया है नीतीश जी। 15 साल तो लालू यादव का भी राज रहा, आपके पिताजी ने बताया नहीं, उस समय हम लोग नहीं थे, लेकिन पिताजी क्या कहते हैं? पिताजी कहते हैं जो महंगाई नहीं इतना था उनको, इतना वो 15 साल के राज के बारे में। लालू यादव भी अपने काम बहुत किया, जब जब बड़े बड़े धर्म या जाति वाले लोग थे ना, छोटे जाति को नीचे बैठना पड़ता था, उसके सामने पैर छूना पड़ता था, लेकिन हम लोग अभी स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र व्यक्तित्व को आप लोगों के सामने रख रहे हैं, बराबर है, जो सर्व बराबर है, आप बराबरी पे आ गए। हाँ, समस्तीपुर जिले में यहाँ पर हम मौजूद हैं, काफ़ी कड़ी टक्कर यहाँ आरजेडी और बीजेपी के कैंडिडेट के बीच नज़र आ रही है। उजियारपुर में खासकर जो लोकसभा का क्षेत्र है, यहाँ ये एक पेड़े का मैं कहूँगी केंद्र, एक सेंटर है ये, जहाँ पर लगातार कई दुकानें सिरे से एक से लेकर दूसरी जगह तक, और बहुत ही जायकेदार पेड़ा है। मैंने भी बंधवा लिया है दिल्ली के लिए जाने के लिए, एक पेड़ा चखा और बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ पेड़ा तो चख लिया, लेकिन लोगों का मन जानने की कोशिश करते हैं कि वो वोट किसको देना चाहते हैं। हो सकता है समस्तीपुर से यहाँ ये भी अंदाज़ा हो जाए कि आसपास की सीटों के लिए कहाँ मतदान पड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? खुदनेश्वर मिश्र जी। मिश्र जी बताइए कि किस तरह का चुनावी माहौल, क्या नज़र आ रहा है इस बार? यहाँ तो बेसी मोदी जी का ही पार्टी का होने वाला है, और तो किसी का नहीं। हाँ, तो सब मिश्रा लोग जो हैं वो बीजेपी को वोट देंगे? हाँ, उन्हीं का वोट देंगे। कांग्रेस पार्टी को नहीं? नहीं, कांग्रेस को हम लोग नहीं देंगे। नहीं, कभी नहीं देते? ना। क्यों, क्या वजह है? वो हम लोग समझ नहीं रहे, वो विनाश करने वाले आदमी है, तो सर जी को क्या करने वाले? नाश कर देंगे। हाँ हाँ, खराबी होता है उनको काफी करने से। आकर्षण किसको लेके ज्यादा लग रहा है आपको दोनों नेताओं में, अगर आपसे पूछे तो? ये एक दिन आएगा, आज सब दिन आएगा, दोनों में फर्क होता है। कौन सब दिन आएगा? तेजस्वी, मैंने तेजस्वी नहीं, तेजस्वी को छोड़िए ना, उसका नेता आएगा मेहता। हाँ मेहता, हाँ, तो वो सब दिल्ली ना आता है कि इसी रोड से पास करना, कि इसी क्षेत्रीय जो पकड़ता है उसको, और वो तो बसिया में ना आएंगे, एक दिन आएंगे, कि एक दिन आएंगे रोड शो, कोई रहेगा कोई नहीं रहेगा, कोई कि यही ना होगा। मुझे बताइए कि स्थानीय मुद्दों पे लोग ज़्यादा वोट डाल रहे हैं या सोच रहे हैं राष्ट्रीय मुद्दा होना चाहिए, अब मोदी जी तरह तरह के बयान दे रहे हैं? स्थानीय पर डालता है। लोकसभा में भी? हाँ लोकसभा। स्थानीय क्या मुद्दे हैं? स्थानीय क्या मुद्दा रहेगा, पार्टी परिवर्तन क्या? हाँ यही है स्थानीय। जो पार्टी के लोग जैसे माना जिस पार्टी को देते रहे वोट उसी को देंगे, कुछ इधर अदला बदली भी हो रही है? अदला बदली होगा, उसी को अदला बदली होगा। हाँ, उसी के लिए 50 कर रहे हैं, उस समय 80 था, अब 50-50 होगा तो घटा ना। हाँ घट सकता, ये बात। माहौल कैसा नज़र आ रहा है यहाँ पर उजियारपुर का? उजियारपुर का माहौल टक्कर बहुत टाइट है, यहाँ मुकाबला जो है कांटे की मुकाबला है, कहा नहीं जा सकता है जो यहाँ बीजेपी निकल जाए या इंडिया गठबंधन निकल जाए, दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। बिहार में? बिहार में मेरे नज़र से जहाँ तक मैं न्यूज चैनल या समाचार पत्रों के द्वारा देख रहा हूँ, उसमें बिहार में भी इस बार 39 तो नहीं 20-30 यही रहेगा एनडीए गठबंधन, और 15-18 इंडिया गठबंधन। 50-50 आ गया? आ गया ना, अच्छी बात। तब हम बोलिए रहे, ऐसा कैसे? ऐसा इसीलिए जो मेरे खास के जो उजियारपुर लोकसभा है वहाँ मैं देख रहा हूँ, जिस पंचायत को माननीय सांसद महोदय गोद लिए, यहाँ से 2 कदम उधर जाइएगा नौवाचक पंचायत है, उसको गोद लिए थे, गोद लेने के बाद एक भी बोर्ड उनका जो है वहाँ है नहीं, लगा ही नहीं है। हाँ, चापो कर लेंगे एक भी बोर्ड, आप मीडिया है चल के, ये अभी तो अंधेरा हो गया, खोजने के लिए लालटेन जलाना ही पड़ेगा, और लालटेन लेके खोजिएगा तब। आरजेडी, आरजेडी के वोटर लग रहे हैं मुझे। जी नहीं, जी नहीं,
वोटर और सपोर्टर नहीं, लेकिन आप मीडिया है, आप थर्ड पर्सन है, आप देख लीजिए गोद लिया जाता है। ये बताइए एक मिनट, पिछली बार आपने तो एक भी सीट नहीं दी और इस बार आप कह रहे हैं भाई आधी सीटें आ जाएंगे, ऐसा क्या बदल गया 5 साल में? विकास है, यहाँ विकास मुद्दा बना है, वो विकास नहीं किए हैं, विनाश किए हैं। नीतीश जी बिहार का चमका दिलखिए, लेकिन जाति पाति के माहौल में हुनका कनी कम वोट मिले छन, आ लालू जी लॉलीपॉप देखबे छथिन तो हिनका बेसी मिले छन। आरो की आ हम तो बहुत देखने छिए, 71 साल के उम्र भेलै, सिपाही दरोगा डरे भाग जाए क्रिमिनल के देखै तो बहुत समय हो गया, अब तो बदल हो गेलै, तब ने लबका पीढ़ी तेजस्वी जी के वोट दे रहल है, पुरनका लोग तो नहीं है देते हैं उनका वोट। एक मिश्रा जी कह रहे थे कि भाई लालू यादव का काल हमें याद है, वहाँ बड़ा जंगल राज था। काल जंगल राज कहिएगा तो इस काल में भी जंगल राज हुआ है, पटना में दिन दहाड़े सोना व्यवसायी से लूटा गया है, आप मीडिया है देखे होंगे, दिन रात हत्या का दौर चलिए रहा है। ईमानदारी से बताइए, आप कह रहे हैं आधी आधी सीटें हो जाएंगी? आधी आधी तो नहीं, लेकिन हो सकता है 60-40 हो जाए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।